एवरीवन, सो आइए हम लोग देखते हैं कि इस मंथ क्या कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हैं जो कि ओरिफ्लेम हमारे लिए लेकर के आया है। और इस मंथ से ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान और भी ज़्यादा बड़ा, बेहतर और स्ट्रांग होने जा रहा है। सो ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में, जैसे मैं पता है कि ये पहले ही इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इनकम प्रोवाइड करता था, और अब ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है इन अनाउंसमेंट्स के बाद से। तो आइए जानते हैं क्या है ये अनाउंसमेंट। सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है जनवरी 2023 में जो ओरिफ्लेम ने अनाउंस किया है, वो है कि ओरिफ्लेम अपनी इनकम, जो अर्निंग्स हैं हमारी आपकी, इस इनकम को इंक्रीज कर रहा है 26% से, ठीक है। और ये एप्लीकेबल है सारे पीडीज में, बोनसेस में भी, और ये सभी के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी विशेष ब्रांड पार्टनर के लिए, ये सभी के लिए है। 3% से लेकर के प्रेसिडेंट डायरेक्टर तक के जितने भी टाइटल हैं, सब में हमें अब 26% का लगभग इंक्रीज अर्निंग मिलेगी। कैसे मिलेगी, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला काम ओरिफ्लेम ने क्या किया कि अपना जो बीपीबीवी रेशियो था, जो कि अभी तक 2022 तक में जो अभी करेंटली चल रहा था, वो चल रहा था एक बोनस पॉइंट हमें लगभग 38 बिजनेस वॉल्यूम देता था, जिसके ऊपर हमारी इनकम कैलकुलेट होती थी, जो कि कंपनी ने बढ़ा करके 48 कर दिया है। साथ के साथ जो बीवी का जो बेस था, उसको भी इंक्रीज किया है 15% के रेट से। इसके क्या माने हैं कि पहले के समय में कुछ ऐसा होता था कि हम जब 100 रुपये कंपनी को देते थे, तो उसमें लगभग 70-72 रुपये पे कंपनी हमें पे आउट देती थी। अगर आप देखेंगे तो जो हमें जिस रेट पे हम कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स परचेज करते, जो ब्रांड पार्टनर प्राइस होता था, उससे जो हमें बोनस बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, जिस पे हमारी चेक का कैलकुलेशन होता था, वो लगभग 70% के आसपास होता था, जो कि अब करीब 15% के बढ़ा करके लगभग 80-82 रुपये के आसपास लैंड करेगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। तो 2022 में एग्जाम्पल के तौर पे एक लिपस्टिक जिसका कि MRP 999 रुपीज था, और उस पर आपको 15 पॉइंट्स मिलते थे, उस पर जो बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, जिस पर हमारा चेक कैलकुलेट होता था, वो था 569, जो कि 2023 में अगर इस लिपस्टिक का प्राइस 1099 हो रहा है, तो भी इस पे बोनस पॉइंट्स 15 ही मिल रहे हैं, और साथ के साथ जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 569 की जगह बढ़ करके 721 रुपीज हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो MRP तो सिर्फ 100 रुपये ही इंक्रीज करी है, बोनस पॉइंट सेम है, लेकिन जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कहीं ज़्यादा इंक्रीज करेगा। 100 रुपये हम इसमें इंक्रीज करें बिजनेस वॉल्यूम में, तो 569 की जगह ये माइट बी 669 होना चाहिए था, बट जबकि ये 721 है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स हैं, उसमें से भी हमें एक्स्ट्रा इनकम दे रही है, जिसकी वजह से हम सेम लेवल्स पे सेम पॉइंट्स करके ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए, तो अगर हम इसको सक्सेस प्लान में पकड़ के चलें, एक 3% के लेवल पे जो अर्निंग होती थी 2022 में 225 रुपये होती थी, जो कि 2023 में बढ़ करके अब 284 होगी। एक 6% 600 पॉइंट जब आप करते थे अपने ग्रुप के जरिए, तो लगभग आप 1100 रुपये कमाते थे, जहाँ पे अब आप सेम वही 6% 600 पॉइंट्स करके लगभग 1400 रुपये कमाएंगे। एक 9% जो कि 1200 पॉइंट करता था, जो कि लगभग 3200 रुपये कमाता था, अब वो उसी लेवल पे 4000 रुपये कमाएगा। एक 12% जो कि 2400 पॉइंट करके लगभग 8100 रुपये कमाता था, अब वो लगभग 10200 रुपये कमाएगा। एक 15% जो कि 4000 पॉइंट करता था पूरे ग्रुप से, जो कमाता था ओरिफ्लेम के साथ 2022 में 14800 रुपये के अप्रॉक्सीमेट इनकम, अब वो 2023 में कमाएगा सेम 4000 पॉइंट करके लगभग 18600 की इनकम। एक 18% मैनेजर ओरिफ्लेम में, जो कि 6600 पॉइंट्स करता था अपने पूरे ग्रुप के जरिए और लगभग कमाता था 27000 रुपये 2022 में, अब उसकी अप्रॉक्सीमेट इनकम जो होगी सेम 6600 पॉइंट्स करके पूरे ग्रुप से लगभग 34000 की होगी। और इसी तरह से अगर आप एक 22% या एक डायरेक्टर की इनकम देखें, जो कि 2022 में लगभग 46000 रुपीज़ होती थी पर मंथ की, वो इनकम अब बढ़ करके 2023 में हो जाएगी 58000 रुपये मंथली की। इसी तरह एक गोल्ड एक्टर जो कि लगभग 1,00,000 रुपये कमा रहा था 2022 में, 26% बढ़ जाएगा, तो लगभग 2023 में कमाएगा वो 1,26,000 रुपये। एक डायमंड एक्टर 4,00,000 कमाता था, वो अब कमाएगा 5,04,000 रुपये। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि 8,00,000 कमाता था, अब कमाएगा 10,08,000 रुपये। सो इस तरह से हर लेवल पे
इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसका हमें ज़बरदस्त बेनिफिट उठाना है। इस बात को आप जितना ज़्यादा अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर करेंगे, पुराने लोगों के साथ शेयर करेंगे, नए लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा आप इनकम लेवल्स को अचीव कर पाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, उतना बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओरिफ्लेम में हमारी टीम जितनी बड़ी होती है उतना ज़्यादा हमारी अर्निंग होती है, उतने बड़े लेवल्स पे हम पहुँचते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 2023 में आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए, उसके लिए कौन सा वाला लेवल आपको करना है, और बस आप उसके लिए प्लान करके अभी से जुट जाइए, लोग इकट्ठा करिए, अपने साथ टीम बिल्ड करिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग करिए, लोगों के साथ ही अपॉर्चुनिटी शेयर करिए। ठीक है, तो ये तो एक मेजर चेंज हुआ है सक्सेस प्लान में। इसी के साथ साथ कुछ और अनाउंसमेंट्स भी हैं, जहाँ पे अभी तक जो हम लोगों को 20% डिस्काउंट या 20% प्रॉफिट जो मिलता था, इमीडिएट डिस्काउंट या इमीडिएट प्रॉफिट, वो अब अपग्रेड होकर के हमें दो पार्ट्स में मिलेगा। सो इफेक्टिव 1 जनवरी 2023 से जो भी हमारी इमीडिएट इनकम है, जो हमें 20% मिला करता था, फॉर एग्जांपल हम 1000 रुपये का सामान खरीदते थे, हमें 800 का मिलता था, अभी भी वो हमें 800 का पड़ेगा, लेकिन वो हमें पूरा 20% एक साथ नहीं मिलेगा, हमें दो पार्ट में मिलेगा। पहला 10% तो हमें इमीडिएट डिस्काउंट के रूप में मिलेगा, और दूसरा बचा हुआ 10% लॉयल्टी डिस्काउंट के रूप में हमें नेक्स्ट ऑर्डर में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसको भी हम एग्जांपल से देखेंगे कि क्यों किया है कंपनी ने इसको, आइए समझते हैं। इसको करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है लॉयल्टी बेनिफिट को लेकर के आने का, बिकॉज इससे हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा सेल्स फोर्स हमारी एक्टिव होगी, रिक्रूटमेंट जो हम करते हैं उसका रिटेंशन ज़्यादा होगा, और लोग रेगुलर ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे जो स्टोर्स में हम लोग जाते हैं तमाम सारी शॉपिंग करने के लिए, कपड़ों की या किसी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे वो हमें कुछ वाउचर्स दे देते हैं। जैसे आपने फर्ज करो वहाँ से 5000 की परचेज करी, तो नेक्स्ट टाइम की परचेज के लिए मे बी वो आपको 500 रुपये का, 1000 रुपये का वाउचर दे देंगे। ये आज तो नहीं रिडीम करा सकते, लेकिन जब आप नेक्स्ट परचेज करोगे तो उसमें आपका ये रिडीम हो जाएगा। ठीक है, कुछ उसी तरह से यहाँ भी काम चलेगा। और ऐसे केसेस में अक्सर होता है कि अगर हमारे पास वो वाउचर पड़ा हुआ, हमें नेक्स्ट टाइम कुछ परचेज करना है, तो हम हमेशा सोचते हैं यार 1000 रुपये तो सीधा सीधा कम हो जा रहा है, चलो वहीं से चल करके लेते हैं। इससे क्या होता है, उस ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ती है। और सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगी कि कल को जब आपका कोई कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल, वो अपना 2000 रुपये का ऑर्डर प्लेस करेगा और उसके 200 रुपये उसके प्रीपेड में पड़े होंगे, तो अगर उसको घर के लिए अपना शैम्पू चाहिए होगा, कुछ और चाहिए होगा, कुछ भी सामान चाहिए होगा, तो वो बाजार से क्यों लेकर के आएगा, उसको लगेगा कि ओरिफ्लेम में 200 रुपये पड़े हुए हैं, चलो वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको एक लॉयल कस्टमर मिलेगा, एक लॉयल टीम मिलेगी, और एक आपको स्टेबल बिजनेस मिलेगा। ठीक है, सो आपके रिक्रूट्स आपके साथ ज़्यादा समय तक टिकेंगे, ज़्यादा लॉयल रहेंगे, आपकी एक्टिविटी परसेंटेज बढ़ेगा, जो टीम आपके साथ काम कर रही है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगी, आपको टीम से रिमूवल्स कम मिलेंगे, बिकॉज होता ना कि कुछ समय लोग काम करते हैं फिर काम छोड़ देते हैं, तो जब उनके प्रीपेड में पैसे रहेंगे, हर बार उनको लॉयल्टी का कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाना है, तो वो आपके साथ लंबे समय तक टिकेंगे। और यहाँ पे कम से कम आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, जो कि आपको इमीडिएट मिल रहा है, जैसे 20 मिलता था, 10% तो आपको तुरंत के तुरंत अभी भी मिल जा रहा है। ठीक है, इसका एक और इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे बेच रहे थे, उनको भी हम यहाँ से रोक पाएंगे, बिकॉज जब 20 की जगह हम 10% दे रहे हैं और किसी की आदत लगी हुई है मे बी ज़्यादा डिस्काउंट लेने की, तो उसको भी हम रोक पाएंगे। साथ के साथ एक और स्पेशल कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ जैन, फेब और मार्च के लिए, और ये भी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग ब्रांड पार्टनर्स हैं, मतलब वो लोग जो कि ऑलरेडी हमारे साथ जॉइंट हैं एज ऑन दिसंबर 2022। ठीक है, सो उनके लिए कंपनी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट लेकर के आई है, जहाँ पे अगर वो अपना पहला जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे जैन से लेकर के मार्च के बीच में, उनको उस पहले ऑर्डर पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी ब्रांड पार्टनर्स हैं, ये एक्स्ट्रा 10% वाला उनके लिए है, जो लोग जैन, फेब या मार्च में नया ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। साथ के साथ जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनको उनके इस पहले ऑर्डर पे मिलेगा, जो भी जैन में, फेब में या मार्च में, तीनों महीने में से किसी भी महीने में जब वो अपना पहला ऑर्डर लगाएंगे, तो फर्ज के लिए किसी ने जैन में अपना पहला ऑर्डर लगाया 5000 का, तो उस पे 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर उसने जैन में अपना पहला ऑर्डर ही लगाया 10000 का, तो उस 10000 के अमाउंट पे मिलेगा। ठीक है, तो 5000 पे अगर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितना हो गया, 500 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, और अगर 10000 पे एक्स्ट्रा मिलेगा
10% तो वो 1000 रुपये हो गया, ठीक है। तो अभी ये आपको देखना है कि आपको कितना ज़्यादा 10% एक्स्ट्रा चाहिए, उस हिसाब से आप उतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और सिर्फ पहले ऑर्डर पे ही मिलेगा। तो अगर आपने पहला ऑर्डर अपना 1000 का लगाया तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, और दूसरा ऑर्डर हो सकता है आपने 10000 का लगाया लेकिन उस दूसरे 10000 के ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपना जो जैन का अपना पहला ऑर्डर लगे वो बड़ा ऑर्डर हो, ठीक है, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ऑर्डर हो। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद अपना जैन में ऑर्डर नहीं लगाएंगे और वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो अगर वो अपना फेब में भी ऑर्डर लगाते हैं पहला बड़ा ऑर्डर, तो उसमें भी उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा, सिमिलरली मार्च तक ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा ट्रांजिशनल सपोर्ट अपनी देरी जो चेंज कर रहे हैं इसमें 10% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरह से एक्चुअली काम करेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि हमने एक ऑर्डर बनाया कैटलॉग प्राइस से, कैटलॉग में जो एमआरपी लिखा रहता भले वो ऑफर का हो क्यों ना, उस प्राइस से जब हमने देखा तो जैन में हमने एक ऑर्डर लगाया अपना पहला ऑर्डर 2000 रुपए का, उस पर हमें इमीडिएट प्रॉफिट मिला 200 रुपए का 10%, और साथ के साथ हमें उसमें एडिशनल 10% मिला, ये जो एक्स्ट्रा 10% था वो भी मिला 200 रुपए। तो इस तरह करके 400 रुपए हमारे उसमें कम हो गए और हमें एक्चुअली जो कंपनी को पे करना पड़ा कितना, सिर्फ 1600 रुपए। इसी के साथ साथ इस 2000 रुपए के ऑर्डर पे हमें लॉयल्टी डिस्काउंट भी मिला 200 रुपए का, जो हमारे नेक्स्ट ऑर्डर में लेस होगा। अब ये नेक्स्ट ऑर्डर मेरा कल हो सकता है, ये नेक्स्ट ऑर्डर मेरा नेक्स्ट मंथ हो सकता है। तो लेट्स से ये नेक्स्ट ऑर्डर मेरा नेक्स्ट मंथ था, तो उसमें किस तरह से काम कर रहा है, तो नेक्स्ट मंथ भी लेट्स से हमने 2000 रुपए का अपना ऑर्डर प्लेस किया, उस 2000 रुपए के ऑर्डर में हमें इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा 10% का। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 नहीं मिलेगा बिकॉज पहली बार हमें एक्स्ट्रा 10 मिल चुका है, तो यहाँ पे 10% मिला तो 200 रुपए वो लेस हो गए। साथ के साथ जो पिछली बार हमें एक्स्ट्रा 10% मिला था उसके भी 200 रुपए पड़े हुए हैं, तो वो 200 रुपए और लेस हो गए, तो हमें 2000 रुपए की जगह देने पड़े सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए। और साथ के साथ जो हमने इस बार 2000 का ऑर्डर डाला इसका हमें अगेन 10% लॉयल्टी डिस्काउंट मिला, जो कि नेक्स्ट टाइम में हमारा यूटिलाइज होगा, तो हमारा 200 रुपए नेक्स्ट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर अब फेब में भी ऐसा हो सकता है कि मैं चाहूँ तो उस जिस दिन ऑर्डर लगाया उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, जैसे आपका लॉयल्टी डिस्काउंट अर्न हो जाएगा आप उसको अपना रिडीम करा सकते हैं। तो मैंने लेट से फेब में ऑर्डर नहीं डाला, मैंने सीधे फिर मार्च में ऑर्डर डाला और अगेन लेट से 2000 का ऑर्डर डाला, तो कैसे काम करेगा, इमीडिएट प्रॉफिट 10%, 200 रुपए लेस हो गया, पिछली बार का जो लॉयल्टी अर्न करा था 200 रुपए वो लेस हो गया, 1600 रुपए देना पड़ा और अगली बार के लिए फिर से 200 रुपए मिल गए, जो कि नेक्स्ट ऑर्डर में लेस होगा। नाउ यहाँ पे कुछ एक चीज़ें समझने की हैं कि जो भी आप लॉयल्टी डिस्काउंट ये अर्न कर रहे हैं एक समय पे आप मैक्सिमम 50% जो अमाउंट है उसको ही अवेल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी इस केस में अगर आप देखेंगे तो 2000 रुपये का ऑर्डर लगाया था तो 200 रुपये का मैंने लॉयल्टी डिस्काउंट अर्न किया था, तो अगर मुझे 200 रुपये भुनाने हैं तो अगली बार मेरा ऑर्डर कम से कम 400 रुपये या उसके ज़्यादा का होना चाहिए। फर्ज करो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो। फर्ज करो जो पहला ऑर्डर हमने लगाया अपना जैन में वो लगाया 10000 रुपये का, ठीक है, 10000 रुपये पे जो मेरे को इमीडिएट प्रॉफिट मिला वो इमीडिएट प्रॉफिट कितना मिला, वो मिला 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये मेरा लेस हो गया इसमें, ठीक है। और साथ के साथ इसमें मेरे को, और ये मैं लेके चल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, ये एग्जाम्पल जो दिया यहाँ पे इस वाले स्लाइड में ये है कि बिल्कुल नए लोग, यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% वाला नहीं कैलकुलेट करके दिखाया, ये सिर्फ आपको किस तरह से डिस्काउंट वैलिडिटी काम करेगी उसके लिए समझाने के लिए ये वाली स्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा वाली बात को मत जोड़िएगा बिकॉज वो 10% एक्स्ट्रा तो भाई है जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको। तो यहाँ पे 10000 रुपये का इमीडिएट प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 रुपये, है ना, अगर आप जैन वाले में देखें तो, ठीक है। और फिर इफेक्टिव ब्रांड प्राइस पार्टनर प्राइस कितना होगा, 9000 रुपये। अब आपने कम एक्स्ट्रा लॉयल्टी सॉरी ये लॉयल्टी डिस्काउंट कितना अर्न करा, आपने 1000 रुपये और अर्न किया जो कि अगली बार आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, 10% डिस्काउंट के हिसाब से। तो आपने पे कितना किया, 9000 रुपये, 1000 रुपये आपके नेक्स्ट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। अब फेब में फर्ज करिए कि वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं 1000 रुपये का, ठीक है, तो अगर वो 1000 रुपये का ऑर्डर प्लेस करेंगे और उनके पास जो लॉयल्टी डिस्काउंट में पैसे पड़े थे वो 1000 रुपये ही पड़े थे, तो पूरे 1000 रुपये लेस नहीं होंगे, ठीक है, क्यों, बिकॉज एक समय पे मैक्सिमम हम जितना भी हमारा पैसा एक्युमुलेटेड, फर्ज करो यहाँ पे लॉयल्टी डिस्काउंट 1000 रुपये था, अगर मैं यहाँ पे अपना 2000 रुपये का ऑर्डर डालता तो मेरे 1000 रुपये पूरे लेस हो जाते, लेकिन चूंकि मैंने अपना ऑर्डर ही 1000 रुपये का डाला है तो 1000
का मुझे 50% मतलब ले सकता हूँ, तो सिर्फ 500 रुपये ही यहाँ पे लॉयल्टी डिस्काउंट वाले लेस होंगे। साथ के साथ 1000 का ऑर्डर डाल रहा हूँ तो 10% भी लेस होगा, तो 100 रुपये वो भी लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली मुझे कितना पैसा पे करना पड़ा, जो भी बोल्ड से लिखा है 400 रुपये, 500 रुपये मेरे लॉयल्टी डिस्काउंट वाले में से लेस हो गए और 100 रुपये मेरे इमीडिएट प्रॉफिट में से लेस हो गए, ठीक है। और साथ के साथ इस 1000 रुपये का जो ऑर्डर लगाया फेब में, इस पे भी मैंने 100 रुपये लॉयल्टी डिस्काउंट अर्न किया, तो जहां मेरा लॉयल्टी डिस्काउंट अभी 500 रुपये बचा हुआ था, उस 500 में 100 रुपये और ऐड हो गए, ठीक है। तो आप जब से नीचे देखिए बैलेंस लॉयल्टी डिस्काउंट कितना बचा, 500 प्लस 100 मिला के 600 रुपये बचा, जो कि नेक्स्ट ऑर्डर में मैं अपना लेस करा सकता हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट ऑर्डर मार्च में हमने प्लेस किया 2000 रुपये का, और उसमें 2000 रुपये में पहली चीज़ तो मुझे प्रॉफिट 10% वो लेस हो गया, तो और साथ के साथ चूंकि 2000 का ऑर्डर है और मेरे लॉयल्टी डिस्काउंट में कितना बैलेंस है 600 रुपये है, 600 का डबल हो गया, 1200 का कम से कम ऑर्डर लगाना था, हम 2000 का लगा रहे, तो मतलब पूरा पूरा ये 600 लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 600 और प्लस 200 ये दोनों लेस होकर के 2000 की जगह मुझे कितना पे करना पड़ेगा मार्च में, सिर्फ पे करना पड़ेगा 1200 रुपये। और साथ के साथ ये जो 2000 का ऑर्डर था इस पे लॉयल्टी डिस्काउंट भी अर्न किया अगली बार के लिए 200 रुपये, तो वो मेरा जो लॉयल्टी डिस्काउंट का बैलेंस था वो 200 रुपये अगली बार के लिए मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से करके मेरे पास ये लॉयल्टी डिस्काउंट हमेशा काम करेगा, जितना बड़ा आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको 10% उतना ज़्यादा आपको लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता जाएगा। इसमें एक चीज़ और समझने की है, सिर्फ इतनी सी कि ये जो लॉयल्टी डिस्काउंट है कब तक रहेगा आपकी आईडी में, ये जब भी आप इसको अर्न करेंगे उस मंथ से 3 महीने के लिए वैलिड होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी ने अपना लॉयल्टी डिस्काउंट जनवरी में अर्न किया है तो उसको मैक्सिमम अप्रैल तक ले सकता, मतलब उसके बाद वाले अगले 3 महीने के अंदर उसको वो ले सकता है, ठीक है। जो 100 रुपीज़ लॉयल्टी डिस्काउंट इन्होंने अर्न करा था, जैसे इस वाले केस में अगर आप देखो तो 1000 रुपये पहले मैंने जैन में अर्न करा था ना लॉयल्टी डिस्काउंट, तो ये इस लॉयल्टी डिस्काउंट को मैक्सिमम ले सकते थे कब तक में, अप्रैल तक में, जनवरी के बाद फेब मार्च और अप्रैल तक, ठीक है। इसी तरह से जो इन्होंने 100 रुपीज़ फेब में अर्न करा इसको वो ले सकते थे मार्च अप्रैल और मैक्सिमम मई तक में, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉयल्टी डिस्काउंट की वैलिडिटी रहेगी। तो होपफुली आपको यहाँ से लॉयल्टी डिस्काउंट वाली पूरी कहानी समझ में आई होगी, किस तरह से अब हमें ये इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, और ये जो आपको कंपनी एडिशनल 26% दे रही है ये तो बहुत ही बहुत गजब है, ठीक है। सो इन कम्युनिकेशन को सिर्फ अपने तक मत रखिए, हर किसी के साथ शेयर करिए, अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इन चीज़ों को ज़रूर से हाईलाइट करिए और बहुत सारे लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुँचाइए। ये बहुत 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 ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है ओरिफ्लेम, जहाँ पे हम अपने बहुत बड़े बड़े टाइटल्स कर सकते हैं, इनके ज़रिए बहुत सारी अपनी इनकम पा सकते हैं, और 2023 में डेफिनेटली अपने तमाम सारे सपनों को ओरिफ्लेम की इनकम से पूरा कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।